दोस्तों आज नामांकन के पांचवें दिन मनसे ने नालासोपारा से अपना नामांकन दाखिल किया। मनसे से विनोद मोरे नालासोपारा से उन्होंने नामांकन पत्र भरा है। उनके नामांकन में यहाँ शामिल होने नालासोपारा महाड़ा कॉम्प्लेक्स में यहाँ थाने पालघर जिला अध्यक्ष अविनाश यादव आए थे और उनकी पार्टी के कार्यकर्ता लोग आए थे। एक ताकत दिखाने की उनको उन्होंने भी कोशिश की है और उन्होंने कई मीडिया के सवाल का जवाब देते हुए युवा को इस बार जीत कर आने की उम्मीद जताई है और उन्होंने बताया कि इस बार परिवर्तन होगा। ये तो समय बताएगा कि कौन कहाँ किस तरह से परिवर्तन होगा, लेकिन फिलहाल ये है कि मनसे भी इस बार अपनी ताल ठोक रही है और मनसे ने अपना नामांकन भर दिया है। इसे देखिए हमारी मनसे से जुड़ी हुई कवरेज। आज के लिए भी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। दादा क्या कहेंगे, मनसे ने भी अपना नामांकन दाखिल किया है, क्या करेंगे? हमारे लिए खुशी की बात है, आज हमारे पार्टी की तरफ से नाम निर्देशन फॉर्म भरा गया है। पिछले 5 सालों में हम लोगों ने जो काम किया है, कोविड में काम किया है और बहुत सारी चीजों पे हम लोगों ने हर एक चीज का हल ढूंढने की कोशिश की, तो हम लोगों ने जो काम किया है इसके बदौलत लोगों के पास जाएंगे और मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे। अभी जो बनी हुई आगाड़ी जो थी, इनका जो लोगों में हुआ परिणाम, 25 साल से सत्ते में जो लोग है उनके वजह से हुआ प्रॉब्लम, ये सब लोग सब लेकिन हम चाहेंगे। पानी का मुद्दा है, राशन का मुद्दा है, अलग ही वसई का मुद्दा है, विधान का मुद्दा है, ये सब लेके हम जाएंगे। अभी ना आपने कहा कि परिवर्तन होगा और यंग लोग आएंगे, परिवर्तन होगा और यंग लोग आएंगे, क्यों लगता है? मुझे लगता है कि ये इलेक्शन बहुत अलग रहेगा, उसमें परिवर्तन करेंगे और यंगस्टर को संधि देंगे। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।